अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया है कि आज की वीडियो होने वाली है कि किस तरह से फैसल ने मेरे सामने लिटरली 7 दिन में अपना 7 किलो वजन कम कर लिया। तो जो एक बेसिक फैसल की ड्रिंक थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी ड्रिंक फैसल ने पी है इन 7 दिनों में, और 7 दिनों में 7 किलो वजन फैसल का हो गया है कम। लेकिन ड्रिंक के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको अपनी रूटीन के अंदर ऐड करनी पड़ती हैं। आपको वॉक करनी होती है, एटलीस्ट आपने आधा घंटा वॉक करनी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो आपने करनी है। तो सिर्फ ड्रिंक के साथ आपका वजन कम नहीं होगा, ड्रिंक आपको हेल्प करेगी, आपकी एपेटाइट को कम करेगी, आपकी भूख को कम करेगी। मतलब आप खाने बैठते हो, अगर आप पहले एक पूरी प्लेट भर के खाते हो तो इस ड्रिंक से क्या होगा कि आपकी जो एपेटाइट है, आपकी जो भूख है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपका स्टमक स्क्वीज हो रहा है और आपको कम तलब होगी खाने की। आप एक प्लेट खाते थे तो आप फिर आधी प्लेट पे आ जाओगे। तो ये वाला सीन करने वाली है ये ड्रिंक आपकी डाइट के साथ। तो चलते हैं जी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ और हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। इस ड्रिंक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा एक ट्री का नाम है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आपने उसके लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ की है, तो बहुत सारी वेट लॉस प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में से आप गो थ्रू करें तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना वो मोरिंगा पाउडर होता है। मोरिंगा पाउडर आपकी वेट लॉस में इस तरह से हेल्प करता है कि ये आपकी फैट फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है और आपके फैट ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज करता है। तो जाहिर सी बात है जब आपकी फैट फॉर्मेशन कम हो जाएगी और आपकी जो फैट ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा हो जाएगी तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में एक और पॉइंट बताया था कि ये आपकी भूख को कम करता है। तो जाहिर सी बात है जब आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, तो आप खाना कम खाएंगे और अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि आपका जो वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगेगा। वेट लॉस के अलावा भी मोरिंगा पाउडर के और बहुत ढेर सारे फायदे हैं। ये आपके बीपी को रेगुलेट करता है, आपको दिल की बीमारियां नहीं होने देता। इसके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम रखता है, उसको मेंटेन रखता है। अब चलते हैं जी और देखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। फैसल अपने पीने के लिए ड्रिंक बना रहा था तो मैंने ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। आगे चलें और देख लें, आप लोगों को डिटेल में उसमें पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए है मोरिंगा पाउडर और इसके बाद आपको दूसरी चीज़ चाहिए है जी हनी। और ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्तन प्योर की। लिंक्स इनके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी तो आप लोगों ने चेक कर लेना है और डिस्काउंट कोड भी डाल दूंगी। नॉन प्रॉफिटेबल कोड है, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर कुछ परचेजिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने लेना है जी एक गिलास पानी। आपका पानी नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के अंदर आपका जो पाउडर है वो सही से मिक्स नहीं होगा। और ये यहाँ पे मैं एक चम्मच ले रही हूँ और मोरिंगा पाउडर का आपने एक ही चम्मच लेना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा हो तो आप इसकी अमाउंट कम कर सकते हैं, आधा चम्मच ले सकते हैं। हम ले रहे हैं जी मोरिंगा पाउडर का एक चम्मच और इसको हमने पानी के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हम एक दूसरा चम्मच लेंगे और हम उसके अंदर डालेंगे शहद। एक चम्मच ही आपने शहद ऐड करना है, चिल्तन प्योर का ये शहद है। इतना ज़बरदस्त है, इतने टाइम का मेरे पास ये पड़ा हुआ है, महीनों का पड़ा हुआ है। बहुत सारे शहद होते हैं वो पड़े पड़े चीनी बन जाते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वैसी ही वैसी है कि मेरे पास महीनों का पड़ा हुआ है। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश हनी की तरह का है। इन दोनों चीज़ों को हमने पानी के अंदर ऐड कर लिया और इसके बाद हम अब इसका मिक्सचर बनाएंगे। इसको आपने एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते जाना है जब तक कि आपका जो पानी है वो ग्रीन ना हो जाए। जैसे ही हमारा पानी ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब है हमारा मिक्सचर बन चुका है अच्छे तरीके से। मोरिंगा पाउडर पानी के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। और बस जी ये था हमारा छोटा सा सिंपल सा ड्रिंक। और छोटा सा सिंपल सा ड्रिंक है लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको फटाफट दिनों के अंदर नज़र आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस किस तरह से पी सकते हैं। आप इस तरह से भी पी सकते हैं पानी में डाल के और इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड करके। ये तो वे है ही है, इस तरह से तो आप पी ही सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है। तो आप इसको और बहुत ढेर सारे वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सैलड के ऊपर इस तरह से पाउडर
छिड़क दें और अपना सैलेड खा लें। इस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने योगर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको अपने जूसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप इसको अपनी चाय के अंदर ऐड कर सकते हैं। और चीज़ के हमने इसको पीना किस तरह से है, तो मैं आपको बताती हूँ कि फैसल ने इसको किस तरह से कंज्यूम किया है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। तो उसने इसको इस तरह से पिया है कि वो सुबह उठ के निहार बिल्कुल कुछ खाए पिए बगैर इसको इस तरह से पूरा एक ग्लास बना के पी लेता था। पूरे दिन में भी आप इसको पी सकते हैं, लेकिन निहार पीने से इसका ज़्यादा फायदा है। कड़वा होता है तो आप इसके अंदर हनी ऐड कर लें, और हनी वैसे भी बड़ा अच्छा होता है, मीठा तो होता ही है लेकिन बड़ा अच्छा होता है आपकी मेमोरी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके डाइजेशन के लिए। बस यहाँ पे हमारी वीडियो होती है जी ख़त्म। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से नीचे जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।